हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे किसी इमेज के बैकग्राउंड को या किसी लोगो के बैकग्राउंड को हम रिमूव कर सकते हैं, उस इमेज को उस लोगो को कैसे हम विदाउट बैकग्राउंड सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक लोगो ढूंढ लेते हैं। तो ये देखिए बहुत सारे लोगो हैं हमारे पास में। अब अगर जैसे मैं इसी लोगो की बात करूं, इस लोगो को अगर मैं किसी इनविटेशन में अपनी वेबसाइट पर कहीं भी यूज़ करना चाहूं, तो ये एक राउंड इमेज है, लेकिन विद बैकग्राउंड ये एक स्क्वायर इमेज बन जाती है। तो अगर आप इस राउंड इमेज को एज अ राउंड यूज़ करना चाहते हैं, तो आपको इसके बैकग्राउंड को डिलीट करना पड़ेगा। तो ये कैसे डिलीट करते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इस इमेज को कॉपी कर लेता हूँ और फोटोशॉप में इसको मैं पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, तो ये देखिए मैंने एक फोटोशॉप में इस इमेज को मैंने पेस्ट कर दिया है। अब अगर आप इसके बैकग्राउंड को डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर फोटोशॉप में आपको एक मैजिक वैंड टूल मिलता है, इसकी मदद से आप इसके बैकग्राउंड को डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस मैजिक वैंड टूल को सेलेक्ट करना है और इस इमेज के बाहर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो इसका सिमिलर एरिया पूरा ये सेलेक्ट कर लेगा। अब आपको कीबोर्ड का डिलीट बटन दबाना है ताकि ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड इसमें से डिलीट हो जाए। तो अब ये जो इमेज है ये विदाउट बैकग्राउंड हमारे पास में। अब आप इसको विदाउट बैकग्राउंड सेव करना चाहते हैं, तो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है सेव एज, और सेव एज ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में आपको इसको सेव करना है एज अ PNG। अगर आप इसको JPEG फॉर्मेट में सेव करेंगे, तो ये वापस विद बैकग्राउंड सेव हो जाएगी और आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो आप अगर इसको विदाउट बैकग्राउंड सेव करना चाहते हैं, तो आप इसको एज अ PNG फॉर्मेट में सेव करें। इसके बाद जब आप सेव करेंगे, तो फाइनली आपसे एक ऑप्शन पूछा जाएगा इंटरलेस्ड का। तो यहाँ पे आपको नन ऑप्शन सिलेक्ट करना है इंटरलेस्ड में और ओके प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इमेज है ये विदाउट बैकग्राउंड सेव हुई है। विद बैकग्राउंड अगर आप इमेज देखते हैं, तो वो इस तरीके से दिखती है। विदाउट बैकग्राउंड अगर आप इमेज देखते हैं, तो वो इस तरीके से दिखती है। अब इस इमेज को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका बैकग्राउंड हमने डिलीट कर दिया है।